हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट एक्वेरियम चैनल एक्वाबे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्वागत है आपका वीक 4 के डे 1 के अपडेट में। आज हम LGs को देखेंगे जो हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, लेकिन आज हम LG को निकालेंगे भी। मैं पाइप से LG निकालूंगा पानी कम करके, और फिर पानी भी क्लीन करूंगा। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे आज, मैं आपको शॉर्ट वीडियो दिखाऊंगा कि पहले LG है, फिर उसको हम पानी से निकालेंगे पानी कम करके, और उसके बाद कंपेयर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। एक आप चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो पानी है इसके अंदर वाइट कलर के कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक्चुअली में कुछ बैक्टीरिया लाइक जीवाणु हैं एविल से, जिससे पानी क्लीन करने में हेल्प होती है। और जब आप टैंक साइकिल कर रहे हो तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कुछ इस तरह के बैक्टीरियाज आपको वाटर में मिलेंगे, और कुछ इस तरह के वाइट बैक्टीरिया आपको टैंक के कांच की दीवार पे भी मिलेंगे। मैं आपको दूसरी वीडियोस में डिटेल में दिखाऊंगा, बहुत जूम करके दिखाऊंगा कि ये किस तरह के लगते हैं। तो आप बैकग्राउंड में ट्री के पास में देख सकते हैं कुछ वाइट कलर के बहुत छोटे छोटे से जीवाणु इधर उधर घूम रहे हैं। तो दोज आर गुड थिंग, ये हमको चाहिए। और जब टैंक प्रॉपरली सेटअप होता है तो इस तरह की एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारा LG लग गया है। मैंने एक बार क्लीन किया था, दोबारा से LG आ गए हैं, विच मीन्स अभी कंप्लीट ग्रोथ नहीं हुई है। हमको फिर से एक बार टैंक क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम टैंक क्लीन नहीं करेंगे तो ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अभी कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि इसमें हम LG ईटिंग फिशेज या LG ईटिंग स्नेल डाल दें, लाइक ऑटोसिंकलस या फिर जेब्रा स्नेल या फिर और कोई फिश जो LG ईट करती हो। ये देखिए, ये एक बहुत ही यूनिक सा LG लगा हुआ है, और हम इसको टच नहीं कर रहे हैं। आपको दिखाने के लिए मैंने इसको टच नहीं किया, बट हाँ, जब हम क्लीन अप करेंगे तो हम इसको भी निकाल देंगे। इन पौधों पे तो बहुत ज़्यादा फिर से LG लग रहे हैं, तो ये होगा, ठीक है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो आप जब अगर टैंक सेटअप करेंगे तो ये सब आपके साथ भी होगा। कुछ प्लांट बहुत अच्छे लग रहे हैं, कुछ प्लांट तो रेड हो गए हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा ग्रीन LG लग रहा है आसपास, बट वो ठीक है, वो हम मैनेज करेंगे। लेकिन अभी लाइट कंडीशंस अच्छी हैं, पानी अच्छा है, टैंक साइकिल होने की प्रोसेस में आ गया है, तो अब प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो गई है। आप वाइट कलर के सस्पेंडेड पार्टिकल अब हर जगह देखेंगे, जब भी मैं जूम करूंगा तो आपको देखने को मिलेंगे। और मैंने जूम करके देखा था, जो मैं बाद की वीडियो में आपको दिखाऊंगा, तो वो बहुत छोटे से जीवाणु हैं और मे बी बैक्टीरिया ही हैं जो टैंक सेटअप करने में हेल्प करते हैं, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। तो एक टैंक साइकिलिंग में बैक्टीरिया का क्या पार्ट होता है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो डिटेल में बनाऊंगा आपके लिए, सो दैट आपको समझ में आए कि कितने टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, उनका काम क्या है, LG को निकालने के लिए क्या ज़रूरी है, LG अगर आ भी जाए तो क्यों परेशान नहीं होना है, एंड ऑल दैट थिंग। और पौधे ज़्यादा कब लगाने हैं, फिश कब डालनी है, पानी कब चेंज करना है, और कितनी बार चेंज करना है, और कितना चेंज करना है, तो ये सब हम बातें बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो ये लंबा चलने वाला है, क्योंकि टैंक सेटअप करने में 3 महीने तो लगते ही हैं। अभी हम लोगों ने 3 वीक कंप्लीट किए हैं, वी आर इन 4th वीक ऑफ द सेटअप, तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। आप देख सकते हैं कि काफी सारे हेयर LG टाइप भी लगे हुए हैं, विच इज ओके, हम करते हैं इनको मैनेज।
ये एक प्लांट है जो अपना शेप चेंज कर रहा है। मैंने मल्टीपल टाइम्स कहा है, लेकिन अब इसकी पत्ती पूरी तरह से चेंज हो गई है और साइड की पत्ती तो ब्लैक होके गिर रही है, नए पत्ते काफी आ गए हैं। अब कुछ दिनों में मैं काफी सारे नए प्लांट भी ऐड करने वाला हूँ, जिससे कि एलजी की ग्रोथ रुक सके, क्योंकि जितना ज़्यादा न्यूट्रिशंस पानी में से प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे उतना ही एलजी कम आएगा। ज़्यादा एलजी इसलिए भी आते हैं क्योंकि हम प्लांट कम लगाते हैं, तो ऐसा जब लगता है कि प्लांट हमने कम लगाया है तो हम प्लांट लगा सकते हैं। देखिए, इस तरह का एक छोटा पाइप है, आप बहुत से लोगों ने कभी शायद पेट्रोल निकाला होगा गाड़ी से, उसी तरह का एक छोटा पाइप है। आपको एग्जैक्टली सेम प्रोसेस करनी है। पहले आप पानी निकाल देंगे, चाहिए तो आप पानी को निकाल दीजिए, आधा पानी निकाल दीजिए। उसके बाद फिर इस तरह के छोटे पाइप से, ज़्यादा जिसमें प्रेशर ना लगे, ज़्यादा फास्ट प्रेशर वाला पाइप होगा तो साथ में वो प्लांट को भी खींच के निकाल देगा। वो हमको नहीं करना है। एक बार एलजी नहीं निकले तो चलेगा, बट प्लांट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप पाइप डालेंगे पानी के अंदर और दूसरा जो पाइप का मुंह है वहां से पानी खींचेंगे और फिर आप उसको बाल्टी में छोड़ देंगे पानी को, तो पानी जाता रहेगा। और इस तरह से आप धीरे 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 करके बहुत आराम से एलजी को निकालेंगे। और इस तरह से आप बंद भी कर सकते हैं जब आपको एलजी नहीं निकालना हो और आपको शिफ्ट करना हो अपने हाथ एक जगह से दूसरी जगह, तो वो आप कीजिए, जिससे कि अननेसेसरी कहीं ये टच होके प्लांट को ना निकाल दें। कुछ प्लांट हो सकता है इससे डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन ठीक है, अभी उसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बट ट्राई कीजिए कि जितना मिनिमम डैमेज हो सके उतना हो। इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ एलजी निकालने के लिए, क्योंकि वो प्लांट्स को भी डैमेज करते हैं प्रोसेस में। इस तरह से हम अगर एलजी निकालते हैं तो हमारे प्लांट्स भी डैमेज हो जाते हैं। और इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ ग्रेवल भी साथ में जा रही है, विच इज़ फाइन। आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है सैंड यूज़ की हो, तो सैंड भी साथ में जा सकती है, विच इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि जितना भी सैंड या ग्रेवल इकट्ठा हो जाएगा पानी के अंदर, आपकी बकेट के अंदर, आप वापस डाल देना उसको, उसको क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप पानी फेंक दें उसको एज इट इज डाल दीजिए। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि पौधों की जड़ों में थोड़ा एलजी ज़्यादा लगता है या जड़ों के पास में ज़्यादा लगता है ग्रेवल के पास में, तो वहाँ थोड़ा सा प्लांट को हिला के एलजी निकालने का ट्राई कीजिए। जब आप एलजी काफ़ी सारे इस तरह से निकाल देंगे तो आपका पानी भी काफ़ी एलजी से भरा हुआ हो जाएगा। तो आपको ये जो पानी मैंने थोड़ा छोड़ा हुआ है, लगभग मैंने 10 इंच के आसपास पानी छोड़ा हुआ है, वो इंटेंशनली मैंने इस पानी को कम कर दिया था ताकि ज़्यादा पानी बाद में ना निकालना पड़े और मैक्सिमम एलजी घुल जाए पानी के अंदर, क्योंकि बहुत सारे एलजी पौधों के ऊपर जो चिपके होते हैं, जो सस्पेंडेड है या जो आपने निकाले ग्रेवल के ऊपर से, वो पूरे डिस्टर्ब होके इधर उधर फैल जाएंगे, पानी में घुल जाएंगे। जब आप कंफर्टेबली ग्रेवल को क्लीन कर लें उसके बाद आप इस पानी को भी निकाल दीजिए। 1 इंच या 2 इंच पानी छोड़ सकते हैं, लेकिन बचा हुआ पानी आप निकाल दीजिए, जिससे कि आपका जो न्यूट्रिशन है पानी में वो भी चला जाएगा, आपके एलजी भी क्लीन हो जाएंगे ग्रेवल वाले, और पानी निकालने से जो भी एलजी बच गए हैं वो भी निकल जाएंगे। तो लगभग आपका 70-80% एलजी ऐसा करने से निकल जाएगा। अब अगर कांच पे आपके एलजी लग गए हो इस प्रोसेस में, तो आप कांच को भी साफ कर लीजिए। देखिए, इस तरह से पानी आपका थोड़ा गंदा होगा, क्योंकि प्लांट को आप झड़ाएंगे उसके ऊपर के एलजी पानी में घुल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्लीन अप होगा और क्लीन करने के बाद ऐसा दिखेगा। इसमें अभी मैंने पानी चेंज नहीं किया है, अभी मैं पानी को भी चेंज करूँगा और फिर ये और ज़्यादा साफ लगने लगेगा। अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे एलजी पानी में सस्पेंडेड हैं। एक बार मैं
पूरे 100% एलजी निकालने का कोई लॉजिक नहीं है, आप बिल्कुल 100% के पीछे मत भागिए, जितना इजीली निकल सके निकाल दीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस हो सकता है आपको 4-5 बार या 10 बार भी करनी पड़े। अब ये देखिए मैंने पानी चेंज किया है और पानी चेंज करने के बाद काफ़ी क्लीन लग रहा है सेटअप। अभी मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो ये एलजी थे बिफोर क्लीनिंग, जो आप देख सकते हैं नीचे के इमेज में। जब हमने उसको पाइप से क्लीन कर दिया तो आप ऊपर के इमेज को देख सकते हैं कि अभी काफ़ी क्लीन दिख रहा है। पानी भी मैंने चेंज कर दिया है तो काफ़ी पानी भी साफ दिख रहा है। तो इस तरह से हम सेटअप को कंटिन्यू कर सकते हैं, बीच बीच में एलजी को क्लीन अप कर सकते हैं, और बस यही करना है आपको जब तक साइकिल पूरा ना हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पर हम वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट फ्राइडे शाम को 8 बजे।